क्लास टेन, ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से कल से जो मैंने क्वेश्चन देना शुरू किया है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम का, इसको पहले हम लोग को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पहले फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई फाइंड करना होगा। तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये फर्स्ट केस में जो दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो एक्स और वाई का रेशियो 5:6 है, तो इसमें हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 6 को एक्स से करना होगा, तो 6x आ गया इक्वल टू 5 × y 5y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से 6x − 5y = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर सेकेंड केस में, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब x में भी 8 को माइनस करना होगा और y में भी 8 को माइनस करना होगा, माइनस करने के बाद हम लोगों का रेशियो जो है वो 4:5 मिलता है। तो इन सेकेंड केस x − 8 / y − 8 = 4/5, ये सेकेंड केस में कह रहा था। फिर इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से, 5 को x − 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x − 8 से मल्टीप्लाई करने पर इसको 5 whole x − 8 लिखना होगा, तब हम लोग 5 से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 8 को भी करेंगे। उसी तरह से y − 8 को 4 से करने के लिए होल में डालना होगा y − 8 × 4, तो 5 × x − 5x − 5 = 40 = 4y × 4 − 8 = 32। इसमें से फिर एक्स वाई को एक साइड कर लेंगे, तो 5x तो लेफ्ट में रहेगा ही और राइट का जो 4y है वो लेफ्ट में आने पर उसका साइन, ये साइन यहाँ प्लस छुपा हुआ है, ये साइन प्लस आकर यहाँ माइनस बनेगा, तो −4y हो गया। फिर इधर रिमेनिंग कितना हुआ, −32, और −40 जो है इधर जाकर के +40 बन गया। तो 5x − 4y = 8, बिकॉज 40 > 32, देयरफोर साइन विल बी प्लस, 40 का साइन प्लस है इसलिए बड़ा नंबर का साइन जो प्लस है वही यहाँ पर प्लस साइन होगा। प्लस साइन लिखिए और नहीं लिखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, ये अकेला नंबर के साथ में अगर कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस ही समझते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग का 5x − 4y = 8 आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो रूल सिखाए हम लोग लीनियर एलिमिनेशन मेथड से, तो दोनों में हम लोग क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में y और सेकेंड इक्वेशन में y दोनों का साइन सेम है, x का भी साइन देखते हैं +6x + 5x, साइन तो सेम है, तो जब साइन सेम रहेगा तो पहले ही बताए हैं कि साइन सेम रहने के बाद हम लोग हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन जिसका एलिमिनेशन करना होगा, जिसको एलिमिनेट करेंगे उसको इक्वल भी करना होगा। तो हम लोग यहाँ y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y यहाँ पर 4y है और ये y यहाँ पर 5y है, तो 5 और 4 को इक्वल करने के लिए हम लोगों को वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 5 और 4। तो एलसीएम ऑफ 5 और 4 जब लेते हैं तो 20 आएगा, तो इसको जब 20 बनाएंगे 5 को तो मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 4 से, तो 4 से इसको ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा LHS RHS दोनों को करना होगा। तो 4 × 6 = 24x, 4 × 5 = 20y और 4 × 0 = 0 आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन वही चीज़, इसको 20 बनाने के लिए हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 × 5 = 25x, 5 × 4 = 20y, 5 × 8 = 40। अब दोनों ही क्वेश्चन का साइन सेम है इसलिए हम लोग को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का सारे का साइन हम लोग को चेंज करना होगा, तो +25 − 25 बन गया, −20 + 20 बन गया और +40 − 40 बन गया। तो −20y + 20y कैंसिल आउट, नाउ 24x − 25x = −x,
एंड 0 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40, हैंस LHS एंड RHS बोथ आर नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव विल बी कैंसिल आउट, मींस x इक्वल टू 40 आ गया आंसर। तो x का वैल्यू निकल गया हम लोग का। अब x का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को उठाइए, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, इसको हम लोग यहाँ पर डाल दिए। तो 6x, x का वैल्यू 40 लाए थे, 6 इंटू 40 माइनस 5y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं 640 जा तो 240 आएगा, ये इधर प्लस है उधर जा करके माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे माइनस 5y इक्वल टू 0 माइनस 240 इक्वल टू माइनस 240, तो y इक्वल टू दोनों का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 240 अपॉन 5 इक्वल टू 48। तो देयरफॉर टू नंबर्स आर x एंड y था, इसलिए x का वैल्यू आ गया 40 और y का 48। नाउ टू नंबर्स आर 40 एंड 48 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और यहाँ जो हिंट साइड में देख रहे हैं रेड कलर से लिखा हुआ है, इस हिंट को आप पढ़ भी लेंगे, ऐसा लिखा हुआ भी हम देंगे, जैसे हम लोग लिख लिख के क्वेश्चन देते हैं वैसा देंगे भी। और इस वीडियो को देखने से पूरा अच्छा तरह से समझ में आएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए हैं अभी, इसका जितना भी मेथड है, चार तरह का मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अभी एक ही मेथड बताए हैं। और ये मेथड खूब अच्छा तरह सीखने के बाद फिर हम लोग तीन मेथड जो और बचा हुआ है उसको हम लोग बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू।